पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कैसे पेन ड्राइव को बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है लिनक्स में डालने के लिए। ये वो पेन ड्राइव है, इसको अब हम नॉर्मल पेन ड्राइव बनाएंगे जैसे ही पहले थी। एक इसको डाल देते हैं इसमें। ये देखिए, ये है वो पेन ड्राइव जिसमें हमने लिनक्स में डाला था। इसे सबसे पहले फर्स्ट स्टेप करेंगे इसको फॉर्मेट में F32 ऑलरेडी सिलेक्टेड है। क्विक फॉर्मेट, यस स्टार्ट। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, फॉर्मेट होने में टाइम भी ले सकता है। ये तो जल्दी हो गया इसमें। और इसके बाद इसे करेंगे क्लोज। फिर उसके बाद जाएंगे आप, इसे बंद कर देंगे और खोलेंगे स्टार्ट में आकर अपना कमांड प्रॉम्प्ट। CMD लिखें अपने सर्च पर और कमांड प्रॉम्प्ट खोलें। ये खुल गया है। इसके बाद आप इसमें टाइप कीजिए डिस्क पार्ट और कीजिए एंटर। ये यस कीजिए। इसको ये डिस्क पार्ट खुल चुका है। इसे इसमें फिर आप टाइप करेंगे लिस्ट स्पेस डिस्क। हाँ, ये आ गया। ये आपको सारी वो दिखा रहा है कि जो भी आपने पेन ड्राइव लगाई होंगी, जितनी भी होंगी आपके पास, अगर सिस्टम में लगा रखी है, सारी लिस्ट में दिखा देगा। जैसे मैंने एक पेन ड्राइव लगाई है, ये 476 वाली मेरी SSD है और ये दूसरी वाली है मेरी, ये पेन ड्राइव सिंपल वाली। और इसके बाद हम टाइप करेंगे, आपको ध्यान रखना है, आप गलती से कहीं वो मत सिलेक्ट कर देना, SSD या हार्ड ड्राइव मत सिलेक्ट कर देना, नहीं तो वो पूरी क्लीन कर देगा ये। तो हमने ये वाली देखना है कि ये देखो मेरी ये 16 GB की है, वैसे 14 GB दिखा रहा है, कोई बात नहीं। हमने ये टाइप करना है डिस्क वन इसमें, तो उसके लिए करेंगे SEL सिलेक्ट डिस्क स्पेस वन। डिस्क ज़ीरो मत करना क्योंकि वो 476 शायद आपके सिस्टम में ऊपर नीचे भी दिखा सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि पेन ड्राइव भी आपकी सिलेक्ट हो। एंटर, डिस्क वन इज नाउ सिलेक्टेड। डिस्क ठीक है, मैसेज आया। ठीक है, डिस्क वन आपकी सिलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद हम करेंगे इसे क्लीन, CLEAN क्लीन, सक्सेसफुली क्लीन हो चुकी है ये। इसके बाद हम डिस्क पार्ट से एग्जिट कर देंगे EXIT और अपना कमांड प्रॉम्प्ट कर दीजिए फिर बंद। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। अब आपको क्या करना है, अपने स्टार्ट में राइट क्लिक करना है और डिस्क मैनेजमेंट पर जाना है। कुछ सेकंड्स ले सकता है ये। इसके बाद आप ये जो है, ये आपका दिखा रहा है कि अनएलोकेटेड है। वी नाउ हैव टू एलोकेट दिस डिस्क एज अ न्यू वॉल्यूम एंड इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट नेक्स्ट। कोई भी आप अपना लेटर असाइन कर सकते हो, जैसे डी, इसने ऑटोमेटिकली कर लिया है। फिर नेक्स्ट, और ये ज़्यादा छेड़ा छाड़ी मत करना, ऐसे सिंपल ठीक है, ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है। नेक्स्ट, फिनिश। कुछ मोमेंट्स लेगा ये करने में, शायद आपका अपने आप पेन ड्राइव खुल भी जाए, कोई बात नहीं वो, लेकिन यहाँ पे न्यू वॉल्यूम आ जाएगा। ये देखिए हो गया वो, इसे कर देंगे बंद। और ये देखिए, ये आपकी फिर से नॉर्मल पेन ड्राइव अब बन चुकी है। सो यही थी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।